अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम व्यूअर्स, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किस तरह आप ब्लू स्टैक ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपने डिवाइस मैनेजर पर जाना है। ये देखिए, आप मैं डिवाइस मैनेजर पर गया हूँ। यहाँ पर कोई भी फंक्शन नहीं है ब्लू स्टैक का। ये पहले हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे हम ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे ये ओपन हो जाएगा। इसके लिए आप अपने ब्राउजर पर चले जाएँ। ब्राउजर पर जाने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है dell.com। आपका जो भी लैपटॉप है आपने वो लिखना है। अगर आपका लैपटॉप HP का है तो आपने HP.com लिखना है। अगर डेल का है तो डेल का लिख देना है, dell.com। मेरा लैपटॉप डेल का है, मैंने dell.com। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने इसे ये सामने कैंसिल करना है। आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, जैसे थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर लिखा है ड्राइवर्स एंड डाउनलोड्स। यहाँ पर आपने क्लिक करना है ड्राइवर्स एंड डाउनलोड्स पर। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है इंटर अ डेल सर्विसेज टैग और उसका प्रोडक्ट नेम। आपके लैपटॉप पर कोई पर्ची लगी होगी, उस पर प्रोडक्ट की आईडी कुछ भी लिखा होगा। आप यहाँ सर्विसेज टैग लिखा होगा, उनमें से आपने कोई भी एक यहाँ लिख देना है। जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे, आपका जो लैपटॉप है जिस कंपनी का है जो उसका मॉडल है वो सामने शो हो जाएगा। ये देखिए, जैसे मैंने अपने लैपटॉप का मॉडल लिखा है तो ये देखिए, ये मेरा लैपटॉप ओपन हो गया है। ये मेरे लैपटॉप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लैपटॉप का नाम आ गया है, सर्विसेज टैग भी आ गई है, उसकी एक्सपायरी डेट भी आ गई है। यहाँ पर ये इसकी मुकम्मल डिटेल दे देगा आपके लैपटॉप की। इसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे ये नीचे लिखा हुआ है फाइंड ड्राइवर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके नीचे आपके जितने भी ड्राइवर डाउनलोड होने वाले हैं वो सामने शो हो जाएंगे। ये देखिए, ये जितने भी ड्राइवर डाउनलोड हो गए हैं या जो होने वाले हैं वो सामने शो हो जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर मैं वाईफाई और ब्लूटूथ का डाउनलोड, ये देखिए ब्लूटूथ है, इससे आपने डाउनलोड कर लेना है। ये मेरा पहले डाउनलोड नहीं हुआ। ये देखो, वो उसने लिखा भी है रिकमेंडेड, ये आप इसे डाउनलोड करें। तो मैं डाउनलोड पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपसे ये देखिए, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। आपने स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक कर देना। मैंने पहले से डाउनलोड कर कर रखा है इसलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं करूंगा। आपने डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद मैंने जैसा जहाँ पर डाउनलोड किया मैं वहाँ पर जाऊँगा। आपने ये देखिए, ये मेरे पास मौजूद है, तो इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा मेरे पास एक और इंटरफेस आ जाएगा। कुछ टाइम, 2-1 मिनट आपने इंतजार करना है। आपने यहाँ पर इंस्टॉल, आपने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे आपके पास ये देखिए इस तरह का ब्लैक आ जाएगी शीट। यहाँ पर आपने इंटर करना है, इंटर का बटन दबाएंगे आपके पास और आ जाएगी। ये देखिए, ये एक और इंटरफेस आ गया है। यहाँ पर आपने ऊपर लिखा है एग्री एंड विल इंस्टॉल ब्लूटूथ। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका सॉफ्टवेयर या ड्राइवर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको अभी दिखाता हूँ डिवाइस मैनेजर पर। ये हम मैं डिवाइस मैनेजर पर मेरा इंस्टॉल हो चुका है। ये डिवाइस मैनेजर पर जाऊँगा, ये देख वो देखिए ब्लूटूथ का ऑप्शन आ गया है। पहले ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं था, अब ब्लूटूथ का ऑप्शन आ गया है क्योंकि अब ब्लूटूथ ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। बाज़ बात ऐसा होता है कि ब्लूटूथ पहले से इंस्टॉल नहीं होता, उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। देखिए, मैं आपको ब्लूटूथ यहाँ पर भी लेकर जाऊँगा, ब्लूटूथ दिखाऊंगा। अगर आप वैसे इंस्टॉल करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका सही इंस्टॉल नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे तो आपका करेक्ट इंस्टॉल होगा। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।